सायन अस्पताल पहुंच चुकी हैं रिया चक्रवर्ती। अब यहां पर थोड़ी ही देर में मेडिकल एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा। मैं कंफर्म कर सकता हूं तमाम दर्शकों को कि रिया चक्रवर्ती इस वक्त यहां सायन अस्पताल में पहुंच चुकी हैं। बस कुछ ही देर में मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा सकता हूं सायन अस्पताल से। यहां पर अच्छा खासा पुलिस का जमावड़ा है। उनको पहले ही इंटिमेट कर दिया गया था कि यहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया चक्रवर्ती को लेके आने वाला है, इसलिए पूरी तैयारी रखी जाए। और यहां पर मेन गेट से ही एंट्री ली है। फिलहाल पुलिस ने मेन गेट को यहां पर बंद कर दिया है, लेकिन आई कैन कंफर्म टू द व्यूअर्स ऑफ आज तक राइट नाउ कि रिया चक्रवर्ती नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के साथ अंदर पहुंच गई हैं। सायन अस्पताल में वो पहुंची हैं और थोड़ी ही देर में मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण RT-PCR यानी कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा। जी बिल्कुल, यहीं पर RT-PCR जो कोरोना के लिए रैपिड टेस्ट है वो किया जाएगा उनका, और तमाम जो मेडिकल चेकअप होता है एक बार अरेस्ट के लिए उससे पहले, ये सब कुछ इस वक्त सायन हॉस्पिटल में शुरू होने वाला है। हमारे सहयोगी पंकज वहां से जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ अरविंद ओझा लगातार बने हुए, चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अरविंद अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे लगता है आधा एक घंटा तो लग जाएगा यहां पर मेडिकल में, लेकिन इन सबके बीच वो जो आने वाले वक्त में सबसे बड़ी परेशानी बनने वाली है रिया के लिए, और ये मामला धारा 28 वाला जिसमें ड्रग्स के लिए उकसाने का मामला भी आ सकता है। आप खुद ही बताइए, वो कह रही है कि वो शौविक के भी करीब थे तो डायरेक्टली भी उनसे ले सकते थे सुशांत, लेकिन भाई बहन बातचीत करके ड्रग्स अरेंज कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत सवाल पैदा करता है। जी देखिए, वही मैं आपको बता रहा था कि ये तमाम अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो आप लोगों को घुमा सकती हैं, लेकिन जब आपके सामने कोई एजेंसी पड़ती है और जब जांच एजेंसी होती है जो पहले से इन्वेस्टिगेशन करके आपके पास आई है, डायरेक्टली आपको संबंध नहीं भेजा, जिसकी उम्मीद आपको और आपके वकीलों को थी और हर किसी को होती है, लेकिन यहां पर तो पूरी तैयारी के साथ अटैक किया गया ताकि जब सामने आए तो पहले सवाल जवाब किए गए, उसके बाद सेकेंड राउंड में एविडेंस सामने रखे गए, और जब एविडेंस सामने रखे गए तो एक एक करके तमाम राज खुलते गए और ये बताया, ये एक्सेप्ट किया गया। क्योंकि देखिए, आप समझिए कि इसमें कई ऐसे व्हाट्सएप चैट हैं, जैसे रिया चक्रवर्ती का गौरव आर्या के साथ जिसमें MDMA लेने की बात हो रही थी, रिया चक्रवर्ती का शौविक चक्रवर्ती के साथ और तमाम लोगों के साथ, जिसमें एक जया शाह भी है जिनके बारे में CBD ऑयल की बात हो रही थी कि कॉफी चाय में मिलाकर दो, इतने क्वांटिटी दो, इतने क्वांटिटी दो। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो सामने रखी गई, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप तमाम राज खुलते गए और राज ऐसे खुले कि बात यही तक नहीं थमी है कम से कम ड्रग्स कनेक्शन की। रिया की गिरफ्तारी बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर महज एक शुरुआत है। 25 लोगों की लिस्ट तैयार हो चुकी है, डोजियर तैयार हो चुका है, आने वाले दिनों में कई और बड़ी गिरफ्तारियां होंगी।